किसी ने क्या खूब कहा है कि आत्मा तो सब कुछ जानती है कि सही क्या है, चुनौती तो सिर्फ मन को समझाने की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, या क्या गलत किया है, हमें ये कौन बताता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है आत्मा की आवाज। शाम का वक्त था। सोसाइटी के पार्क में ढेरों बच्चे खेलने में मस्त थे। उन्हीं बच्चों में पिंकी और राजू भी शामिल थे। पिंकी के पास टॉफी का एक पैकेट था और राजू रंग बिरंगे पत्थरों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते पिंकी की नजर राजू के पत्थरों पर पड़ी। उसका बाल मन उन्हें देखते ही मचल पड़ा। वह फौरन राजू के पास गई और बोली, राजू, क्या तुम ये सारे पत्थर मुझे दे सकते हो? इनके बदले में मैं तुम्हें टॉफी का ये पैकेट दे दूंगी। टॉफियां देखते ही राजू के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, पत्थरों से तो मैं कई दिन से खेल रहा हूं, क्यों ना इन्हें टॉप देकर सारी टॉफियां ले लूं। उसने कहा, ठीक है पिंकी, मैं अभी तुम्हें अपने पत्थर दे देता हूं। और ऐसा कहकर वो दूसरी तरफ घूमा, घूमकर पत्थर उठाने लगा। अपने पसंदीदा पत्थरों को देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने कुछ पत्थर अपने जेब में छुपा लिए और बाकियों को थैले में रख दिया। ये लो पिंकी, मेरे सारे पत्थर तुम्हारे, अब लाओ अपनी टाफियां मुझे दे दो, राजू बोला। पिंकी ने फौरन टाफियों का थैला राजू को पकड़ा दिया और मजे से पत्थरों से खेलने लगे। देखते देखते शाम ढल गई और सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। रात को बिस्तर पर लेटते ही राजू के मन में ख्याल आया, आज मैंने पत्थरों के लालच में चीटिंग की। उसका मन उसे कचोटने लगा। फिर वह खुद को समझाने लगा, क्या पता जिस तरह मैंने कुछ पत्थर छुपा लिए थे, पिंकी ने भी कुछ टाफियां छिपा ली हो। और यही सब सोचकर वह परेशान होने लगा और रात भर ठीक से सो नहीं पाया। उधर पिंकी पत्थरों को हाथ में पकड़े पकड़े कब गहरी नींद में चली गई, उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पिंकी ने दरवाजा खोला, सामने राजू खड़ा था। राजू अपने जेब से पत्थर निकाले हुए बोला, ये लो पिंकी, इन्हें भी रख लो। और उन्हें देते ही राजू अपने घर की ओर भागा। उस रात राजू को भी अच्छी नींद आई। दोस्तों, भगवान ने हम इंसानों को कुछ ऐसे बनाया है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं, हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें आगाह कर देती है। अब ये हम पर है कि हम उस आवाज को सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। सही मायने में इस कहानी का हीरो राजू है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है पर उसे सुधारने की हिम्मत सब में नहीं होती। हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना ना करें और एक अपराध मुक्त जीवन जिए। याद रखिए, शुद्ध अंतःकरण ही सबसे नर्म तकिया होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने अंतरात्मा की आवाज को अवश्य सुने, उसे दबाए नहीं, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाती है कि क्या गलत और क्या सही है। अपनी अंतरात्मा को जगाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह सबसे पहले मिले, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।